बेंगलुरु में बैटिंग तो हमेशा से अच्छी रही है, एबी डिविलियर्स थे तब भी, उनकी बॉलिंग बहुत ही हमेशा से वीक लिंक रही है, और वो यहाँ भी दिखा। जिस टीम की बॉलिंग बहुत शानदार रही है वो है बुमराह। मतलब बुमराह की क्या बात करें, किसी भी फॉर्मेट में खेले। और इस वक्त हमारे साथ बुमराह के पहले कोच अहमदाबाद से जुड़ रहा है किशोर त्रिवेदी जी। आपका बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात, बुमराह ने जब कल 5 विकेट लिए, और 5 विकेट अगर T20 में 4 ओवर में लेते हैं तो आपको लगता है जैसे कि 150-200 का रन बना रहे हैं आप वनडे में। आपको बुमराह का सबसे अच्छा विकेट कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो विराट कोहली ने जो आउट किया वो सबसे अच्छी गेंद, वर्ल्ड का कोई भी बैट्समैन इस तरह से आउट होती है। उस गेंद पे। और बुमराह आपने शुरुआत में सिखाया और काफी इवॉल्व भी किया है, क्या बात है जो उनको दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पे भी कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं? वो पहले तो यॉर्कर पे अपना विकेट लेता था, अभी क्या उसके पास अभी बहुत सारी वेरिएशन भी आ गई है, बाउंसर है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, सभी प्रकार की जो वेरिएशन है। और जो मेन क्या है कि लाइन ऑन लेंथ, वो कभी लाइन लेंथ से बाहर बॉलिंग बहुत कम करता है। इसकी वजह से क्या हो कि बैट्समैन को कंपलसरी वो खेलना पड़ता है, 6 बॉल में से 6 बॉल खेलेगा तो एक बॉल में गलती कर देता है, उसमें उसको विकेट मिल जाती है। और काफी अच्छी वेरिएशन स्पीड, अब स्लोअर रन भी डालता है, तो मेरे हिसाब से बस वो उसके पास जो ज्यादा वेरिएशन है वो बॉलर बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक और जो खास बात है किशोर साहब, एक तो वो चाहे आप उनसे ओपन करवा लो, मिडिल ओवर में डलवा लो, डेथ ओवर में डलवा लो, T20 में डलवाओ, वनडे में डलवाओ, या टेस्ट फॉर्मेट, हर फॉर्मेट में इस तरह का, मतलब फिटनेस की वजह चोटिल हुए थे जब से आए हैं, क्या ऐसा क्या होता है जो इस तरह के पेसर्स, आपके एकेडमी में मैं गया था वहां देखा भी था, आप क्या सिखाते हैं कि मतलब किसी भी फॉर्मेट में खिलाड़ी, ऑफ कोर्स टेस्ट अल्टीमेट टेस्ट होता है, लेकिन आप क्या बताते हैं गेंदबाजों को, बुमराह जैसे भी जो भी गेंदबाज तैयार हो रहे हैं? आपने कहा था कि वहां और भी बुमराह बन सकते हैं। वो सब क्या, ये क्या है कि नेचुरल है, ये ऐसा बॉलर वर्ल्ड में कई कई एक पैदा होता है, हर एक लड़के ऐसी एबिलिटी उसको आती नहीं है, वो नेचुरल प्लेयर है। और गॉड गिफ्ट हम बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट है, उसको एक बार बता दिया और उसके ऊपर वो मेहनत करता रहा और अलग अलग टाइप की वेरिएशन ये सब करता रहा, और फिजिकल फिट और मेंटली भी बहुत फिट है। अगर उसकी ओवर में 2-3 4 के 6 जाएगा तो वो एक्साइट नहीं होगा, अच्छे बॉल पे भी 6 जाती है ना, ऐसा नहीं है कि खराब बॉल से ही जाती है, गुड लेंथ स्पॉट से भी वर्ल्ड के अच्छे बैट्समैन है वो 6 लगा सकते, 4 लगा सकते, लेकिन फिर भी वो माइंड अपना चेंज नहीं करता है, अपने एम से ही बॉलिंग करता है, एक 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 चौका गया, एक 6 गई, फिर भी वो जल्दी एक्साइटेड नहीं होता, जल्दी वो निराश नहीं होता कि ये मेरे को चौका मार दिया, ऐसा है वैसा है, कोई रिएक्शन नहीं का, दूसरी बॉल कहाँ डालने की है, कहाँ उसको आउट करना है, वो उसके बारे में ही सोचता है। राजेश भाई, बुमराह पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप, और खासकर मुंबई की बैटिंग तो दिखी, कल सूर्य कुमार यादव तो अलग ही रंग में दिखे। नहीं, बुमराह जो इनके कोच बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एक तो उनका एक्शन उनका प्लस पॉइंट है, प्लस वो जिस एक्शन से डालते हैं उनकी लाइन लेंथ बहुत परफेक्ट है, 6 बॉल वो बैट्समैन को खिलाने को देखते हैं विथ वेरिएशन, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और उनके वेरिएशन ऐसी है कि बैट्समैन उम्मीद करते रहता है कि अब यॉर्कर आएगी या आउट आउट स्विंग आएगी, लेग कटर आएगा, क्या आएगा, वो वेट कर रहे होते हैं, तो ये उनका पॉजिटिव है। कल लेकिन जो उन्होंने बॉल डाली 5 विकेट 4 ओवर में, उसके बाद मैं फिर आरसीबी को क्रेडिट देना चाहूंगा कि इस ओवर के बाद भी उन्होंने 196 बनाए, तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग को क्रेडिट जरूर दूंगा, लेकिन फिर मैं ईशान किशन, सूर्य कुमार, रोहित, तीनों को मैं यहाँ पर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जिस ढंग से बैटिंग की है, कल उनके सामने दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार के बॉलर होते, वो इसी ढंग से बैटिंग अगर कर रहे होते तो वो मैच जितना उनके लिए बहुत आसान था। मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूं मुंबई के बैट्समैनों को।